मैं सौरभ मंडल आज आपको एक और नई जगह पर लेकर आ चुका हूँ। आज एक ऐतिहासिक जगह पर आपको लेकर आया हूँ और देखिए मजा कीजिए और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा और मैं आपको इसका इतिहास भी बताऊंगा। तो चलिए फिर चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको जैसे बताया था कि दो शख्स ये मकबरा है यहाँ पे। इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये है आपका शेर अफगान शाह का, ठीक है, और इस तरफ जो है ये है कुतुबुद्दीन खान कोका का। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि ये दोनों जैसे भी आप शाह हाँ इतना सुंदर लग रहा है, पर एक्चुअली ऐसा था नहीं। एक्चुअली ये दोनों के जानी दुश्मन। तो एक्चुअली ये आए थे, कुतुबुद्दीन खान आए थे इनको अरेस्ट करने के लिए, पर अंततः दोनों का ही डेथ हो गया यहाँ पे वर्धमान में। अभी वर्धमान मैंने आपको बताया जो कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। शेर अफगान जो थे ये आपका उस समय एक मुगल कोर्टियर थे, मतलब मुगल के दरबार में ये बैठा करते थे। उसके बाद अकबर के समय इनको क्या बना दिया गया, गवर्नर ऑफ वर्धमान, मतलब गवर्नर बना दिया गया वर्धमान का। तो उसके बाद वो वर्धमान आ गए, मतलब वेस्ट बंगाल, बंगाल में आ गए। उस समय तो वेस्ट बंगाल नामक कोई चीज था नहीं, तो बंगाल आ गए। अभी बंगाल आने के बाद क्या हुआ कि ये अच्छे, उनका सब कुछ अच्छा चल रहा था। इन्होंने 1594 में एक बहुत ही सुंदर 17 साल की लड़की से इन्होंने शादी किया। उनका नाम था मेहरुन्निसा, जिसे हिस्ट्री में नूर जहां के नाम से जाना जाता है। तो अंततः क्या हुआ बाद में, ये थे उनके पहले हस्बैंड। ये आप में से बहुत जन को नहीं पता होगा कि नूर जहां का जो सबसे फर्स्ट हस्बैंड थे वो थे शेर अफगान। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा माना जाता है कि 1607 में शेर अफगान जो थे ये कुछ अफगान्स को हेल्प कर रहे थे मुगल के खिलाफ। तो ये खबर पता चल गया किनको, जहांगीर को। अभी जहांगीर को जब पता चल गया इसके बारे में, तो उस समय क्या हुआ, जहांगीर ने फिर कुतुबुद्दीन खान कोका को भेजा कहाँ पे, बंगाल के जो सूबेदार हैं उस हिसाब से उनको यहाँ पे भेजा, जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, इनको भेजा गया क्यों, इनको भेजा गया इनको अरेस्ट करने के लिए। बाद में क्या हुआ, अभी इनको अरेस्ट करने के लिए इन्होंने अपने सोल्जर्स को भेजा, बोला कि ठीक है जाओ इनको पकड़ के लेके आओ। पर इन्होंने क्या किया, ये भी थोड़ी ना कोई कम थे, इन्होंने फिर इनको घायल कर दिया। अब इनके जो सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया, अब इनको मार दिया, डेथ हो गया इनका। तो अंततः अब इन्होंने भी घायल किया था तो इनका भी डेथ हो गया। तो बाद में क्या हुआ कि 1610 में दोनों का ही मृत्यु हो गया और दोनों कहा वर्धमान नामक जो टाउन है, इस टाउन में इनका मकबरा प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आपका स्टोरी। उसके बाद नूरजहां का क्या हुआ, नूरजहां ने फिर बाद में जहांगीर से शादी कर लिया और फिर बाद में वो जब उनकी डेथ हो गया तो उन्होंने वो फिर कहाँ चले गए, उनका मकबरा कहाँ पे है, आज लाहौर में है उनके फेमस, मैं उनके जो सेकंड हस्बैंड थे और आप सभी को ही जानते हैं क्या नाम था उनका, जहांगीर। तो जहांगीर के साथ उनका जो मकबरा है वो भी लाहौर में है। और उनका फर्स्ट हस्बैंड जो थे उनका मकबरा कहाँ पे है, यहाँ पे है वर्धमान, कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर पे।
एक्चुअली ये जो पूरा एरिया है ये एक्चुअली पीर बहरम नामक जो स्थान है यहाँ पे है। अब पीर बहरम कौन है तो चलिए उनके बारे में भी अभी हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं पीर बहरम के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है आप बताना ना भूले मुझे। और देखिए इतना अच्छा मौसम और इस मौसम में ब्लॉगिंग, ओ भाई मतलब A1 सब गर्मी नहीं है बिल्कुल भी और बहुत ही मज़ा आ रहा है। घूमने में जितना मज़ा आ रहा है आपको दिखाने में जितना मज़ा आ रहा है उतना ही मज़ा मुझे मतलब आपको ये दिखाते हुए आ रहा है कि अगर आप कहीं जाओ और वहाँ पे हल्का हल्का बारिश होने लगे तो उससे अच्छी चीज़ और क्या ही हो सकती है ना। तो नेचर भी आपके साथ है, आपको हेल्प कर रहा है कि हाँ घूमो आप भी अच्छे से घूमो। तो बस चलिए और हाँ मैं अभी आपको और भी बहुत सारे कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ तो चलिए चलते हैं उनके तरफ। तो दोस्तों अभी मैंने आपको दो शख्स का मकबरा दिखाया। तो एक्चुअली ये जो है ये जगह का नाम है पीर बहरम, ठीक है। तो एक्चुअली ये पीर बहरम क्यों कहा जाता है, एक्चुअली ये जो आप देख पा रहे हैं कि पीर बहरम का मकबरा, एक्चुअली पीर बहरम एक टर्किश ओरिजिन के एक सूफी सेंट थे। तो वो आए थे हुमायूं के समय में, सेकेंड मुगल एम्परर के समय में आए थे इंडिया और वो फिर बाद में दिल्ली में बस गए। उसके बाद दिल्ली से कुछ दिनों बाद वो आगरा चले गए और आगरा में जाके वो कुछ दिन बस गए। उसके बाद अंत में उनको ऐसा लगा कि उन्हें श्रीलंका जाना चाहिए, एक्चुअली उस समय उसको लंका कहा जाता था। तो वो उस दे में थे और वो जा कहाँ से रहे थे, बंगाल से होते हुए जा रहे थे और वो जब बर्धमान से होते हुए गुजर रहे थे तो उस समय उनका मतलब उस समय उनकी डेथ हो गई। तो इसलिए तब से उनको यहाँ पे इनका मकबरा बनाया गया। उसके बाद 1610 में जब आपका कुतुबुद्दीन खान खोका और शेर अफगान खान का डेथ हो गया उसके बाद उन दोनों को भी यहाँ पे दफन कर दिया गया, यहाँ पे उनका मकबरा बनाया गया। तो ये था पीर बहरम का मकबरा का कहानी। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया शेर खान का और आपका कुतुबुद्दीन खान कोका का दोनों का मकबरा का कहानी और ये था पीर बहरम के मकबरा का कहानी। तो ये था ओवरऑल चीज़। तो चलिए अभी आपको और भी कुछ फॉलन सोल्जर्स की मकबरा भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों अभी मैंने आपको दिखाया पीर बहरम का मकबरा और ये देखिए ये अभी आपको यहाँ पे जो भी दिख रहे हैं ये है वो सोल्जर्स जिनकी मृत्यु हो गई थी उस समय। तो उन लोगों का मकबरा है यहाँ पे, सेनापति है और कुछ सोल्जर्स भी हैं। खैर इनका नाम यहाँ पे ये नहीं है तो इसलिए मैं मुझे भी नहीं पता। हाँ तो खैर कुछ भी हो एक्चुअली दोस्तों कहते हैं ना कि आप जीवन में कुछ भी कर लो, आप जीवन में कितना भी ऊंचा चले जाओ। हाँ एक मेरा दोस्त है वो मुझे कल कह रहा था कि अगर आप ट्रेन में जाओगे या बस में जाओगे आपको वहाँ पे रिजर्वेशंस मिलेंगी है ना, वहाँ पे आपको फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास हाँ थर्ड क्लास आपको मिलेगा, ठीक है अभी आपको मिलेगा AC क्लास मिलेगा, मतलब बहुत तरह तरह के क्लासेस मिलेंगे, कोई अपर कोई ऊंचा है कोई नीचा है, ठीक है कोई किसी के पास बहुत पैसा है किसी के पास बहुत पावर है परंतु अंत में सबको एक ही जगह पे देखिए। इनमें से कोई शायद बहुत बड़ा सेनापति रहा होगा
कोई शायद बहुत ही अच्छा युद्ध करता होगा, कोई बहुत ही अच्छा सैनिक रहा होगा, परंतु अंत क्या हुआ? अंत में सभी को एक ही जगह पर जाना है, ऊपर में। तो दोस्तों इसी आशा के साथ मैं ये ब्लॉग ख़त्म करता हूँ यहाँ पे, और आप भी अपने जीवन से ईगो, हाँ आप भी अपने जीवन में खुशियाँ लाइए, ईगो को हटाइए, एटीट्यूड हटाइए, ये सबसे कुछ नहीं होता। तो बस इसी सुंदर बातों के साथ और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बस देखिए, चलिए फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।